दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत इस साल वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा किया वर्ल्ड कप से बाहर और फिर बीच मैदान पर डिकॉक मिलर और एडन मार्करम ने भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर लगाए पूरे मैदान के चक्कर। राशिद खान पर आईसीसी द्वारा लगे जुर्माने के लिए समर्पित की मैच जीतने के बाद इनामी धनराशि और जीता दिल, तो आखिरकार इस पर क्या बोले सानिया मिर्जा, अख्तर अफरीदी से लेकर सचिन सहवाग और धोनी तक, वो तो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। और धोनी का तो सुने बिना मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, बाबर आजम और क्विंटन डिकॉक में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का 26वां मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के टॉस जीतने के साथ हुई और यहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं 50 ओवर भी पूरे पाकिस्तान की टीम खेल नहीं पाई और 10 विकेट गंवाकर 270 रन बना डाले और 271 रन के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने भी यहाँ कोई अच्छी खासी शुरुआत नहीं की। लेकिन दोस्तों मुकाबला अंत तक जाते हुए इतना रोमांचक हो जाएगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो पहला ही बड़ा विकेट मार्को यांसन ने लुंगी एनगिडी के हाथों कैच आउट करवा के अब्दुल्ला शाफिक का चटकाया और वो 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। तो वहीं अब्दुल्ला के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही इमामुल हक 12 रन बनाकर मार्को यांसन का ही शिकार बने। अब ये विकेट गिर जाने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी तो की, लेकिन इस बीच रिजवान 31 तो बाबर आजम 50 रन ही बना पाए और फिर अंत में आकर साउद शकील ने 52 रन बनाए। शादाब खान ने 43 रन की पारी खेली और पाकिस्तान की टीम को 270 तक पहुंचाया। हालांकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि एमए चिदंबरम की पिच पर 270 रन का स्कोर कम है, लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि ये पिच कुछ ऐसी हरकत करेगी कि पूरा मैच पलट जाएगा और पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में लीड करती हुई नजर आएगी। दरअसल जब टेम्बा बबूमा और क्विंटन डिकॉक मैदान पर उतरे तो पहला ही बड़ा झटका शाहीन अफरीदी ने क्विंटन डिकॉक के रूप में साउथ अफ्रीका को दिया और यहां से पूरी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। इस दौरान रस्सी वेंडर ड्यूसेन और टेम्बा बबूमा की भी साझेदारी आगे बढ़ नहीं पाई और फिर इन विकेटों के गिरने के लगातार बाद ही हेनरिक क्लासेन भी 12 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों चार बड़े झटके साउथ अफ्रीका की टीम को 136 के स्कोर पर ही लग चुके थे। पूरी टीम काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने इनको बांध कर रख रखा था। और फिर क्या था, हुआ ये कि एडन मार्करम और डेविड मिलर का बल्ला चला और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी और इस मुकाबले में शानदार जीत भी हासिल कर ली। और दोस्तों आपको याद तो होगा ही कि जब पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ था तो उस मुकाबले में राशिद खान ने भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर पूरे मैदान पर फहराया था और उन्होंने ये बता दिया था कि वो भारत के कितने बड़े दीवाने हैं। और दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने भी आज पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देने के बाद यही किया, भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर भारत माता की जय और जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। इस दौरान क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम और यहाँ तक कि डेविड मिलर तक उनके साथ नजर आए और दोस्तों राशिद खान की रिस्पेक्ट में इन सभी ने ये काम किया। और दोस्तों आखिरकार इस पर क्या बोले बड़े बड़े दिग्गज, आइए आपको बताते हुए चलते हैं। पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है सानिया मिर्जा का, जो कहती है कि सबसे पहले तो भारत मेरे पाकिस्तान को बेईमानी करके हरवा रहा है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी पाकिस्तान की टीम इस साल वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम में से एक थी और अब भारत ने मेरी टीम का यह हाल कर दिया कि एक एक रन के लिए हमारी टीम मोहताज होती हुई नजर आ रही है। पहले पिच के साथ गड़बड़ी करवा के भारत ने ये मुकाबले हमें जानबूझ के हराए हैं और फिर जानबूझ कर वो सामने वाली टीम को यह कह रहे हैं कि आप भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर पूरे मैदान पर फिराइए और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाइए। आखिरकार किसी भी टीम ने आज से करीब 10 साल पहले तक यह काम नहीं किया, लेकिन इस साल वर्ल्ड कप में यह सब क्यों किया जा रहा है। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध आईसीसी को लगाना चाहिए और इन साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि राशिद खान के खिलाफ जुर्माना लगा कर लिया था। तो वही दोस्तों बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है वो है शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था और यह सब का जिम्मेदार बस भारत है, उसकी बदौलत हम लगातार मुकाबले हारते चले जा रहे हैं और वर्ल्ड कप से भी अब बाहर हो चुके हैं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आईसीसी या तो भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले या फिर सामने वाली टीम के खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच के बाद जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाए, वरना हम अपनी पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों से पहले ही अपने स्वदेश लौटा लेंगे। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका जैसी कमजोर टीम से भी हम हारने लगे,
इसमें पूरी चाल भारत की है। भारत की वजह से ये लगातार हम मुकाबले हारते चले जा रहे हैं और खिलाड़ी जो बार बार ये हरकतें कर रहे हैं, भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर पूरे मैदान पर लहरा रहे हैं, आखिरकार आईसीसी इन पर कब तक बैन नहीं लगाएगा? अब तो उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, ये सभी सबूत हमारे पास है। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बैन के बारे में जो निकल कर आते हैं वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने कहा साउथ अफ्रीका की टीम ने भी आज राशिद खान की टीम की तरह एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया। साउथ अफ्रीका को दिल से बधाइयां और वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, ये हमारी दुआएं हैं। और पाकिस्तान जैसी टीम जल्द से जल्द वर्ल्ड कप से बाहर हो, इसी में हमारी भलाई है। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के आगे आखिरकार पाकिस्तान की टीम समझ के आ रही थी, वो उनको हरा देगी, उनके दो बल्लेबाज उनसे पूरा मैच छीन कर ले गए, वो बस देखते रह गए। बाबर आजम के पास इतने अच्छे कप्तानी सेंस नहीं है कि वो अपनी टीम को कभी मैच जिता पाए, बस इन्हें विवाद बनाना है, झंडा लेकर घूमे, जय श्री राम बोल दिया, इन सब बातों को लेकर जब ये खुद नमाज पढ़ते हैं तब इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक ने काफी अच्छा काम किया, यह नेक काम पूरे भारत देश का दिल जीत कर ले गया है और खास तौर पर मेरा भी, और राशिद खान की तरह साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ भी खड़े हुए हैं और उनका साथ हमेशा निभाएंगे। और उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, सबसे पहले पाकिस्तान की टीम को बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा वो सही है या फिर गलत, हम साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हैं या फिर नहीं, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।